ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 29 जून 2019 शनिवार का दिन है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा द्वादशी तिथि रहेगी। व्रत की एकादशी रहेगी। एकादशी के लिए हमने आपके लिए दूसरे अन्य वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भरणी नामक नक्षत्र एवं मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खाकर के यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मिथुन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन कन्या तुला धनु और मीन, इन 7 राशि वालों को अचानक धन लाभ होने का उत्तम योग है, यानी इनको रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा या फिर इनकी आमदनी बढ़ने का योग है। व्यापार व्यवसाय में इनको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे अच्छा लाभ भी इनको प्राप्त होगा, या फिर अचानक ये जो भी कार्य करते हैं उसमें इनको लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट आदि जो कार्य होते हैं उनमें भी इनको अच्छा लाभ इनको दिखाई देगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।